हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदांत। मैं हूं अंकुश और हमने स्टार्ट किया था वेक्टर्स के टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मतलब हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप आज हेडिंग लगा लीजिए ना। हेडिंग क्या रहेगा आपका? अलजेब्रा ऑन वेक्टर्स। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑन वेक्टर्स ये हेडिंग होगा आपका। ये सेकेंड लेक्चर है हमारा और इसमें आप पहले बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसका नंबर वन कहते थे। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कैसे बिहेव करते हैं वेक्टर्स, राइट? तो सारी बातें हम समझेंगे। ओके बच्चों, शुरू किया जाए। चलो, सबसे पहली बात है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, फर्स्ट थिंग दैट वी गो ऑन टू अंडरस्टैंड इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर्स AB बार एंड BC बार represent two sides of a triangle, they are taken in same order, then their resultant is represented by third side of the triangle in opposite order. Okay, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक AB vector है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं हम AB vector, okay, और एक AC vector, BC vector है, B और C की तरफ, ठीक है, BC, they are in the same order, right? So if AB is a vector and BC is another vector, they are taken in the same order, ठीक है, then their resultant is given by the third side of the triangle in opposite order. देखो ये कैसा order है, ये clockwise, anti-clockwise, देखो आप अच्छे से, ठीक है, देखो ऐसा ये anti-clockwise हो, but ये अब order change कर दिया इसने AC. तो I can say what it is saying कि AB bar plus BC bar is equal to AC bar. ऐसा मिल रहा है हमको बच्चों, ठीक है? So triangle law of addition क्या कहता है कि अगर कोई simple word बोले, अगर आप A से B गए और B से C गए तो आपका पूरा रिजल्टेंट, राइट, पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? A से C है. ओके, आप पहले A से B गए और फिर आप B से C गए तो आप अल्टीमेटली पूरा डिस्प्लेसमेंट आपका A से C रहेगा, AC रहेगा. समझने के लिए एकदम इजी हो जाता है, ठीक है? अच्छा, बहुत बार ऐसे भी कहते हैं ना कि ये स्मॉल a वेक्टर जो है AB इसको स्मॉल a का, वेक्टर BC इसको स्मॉल b का, तो रिजल्टेंट इज नथिंग बट वेक्टर A बार प्लस B बार. ओके, तो आपको सिंपली समझ जाएगा थर्ड साइड AC इज नथिंग बट A बार प्लस B बार. ओके, वेयर A बार AB इज नथिंग बट A बार, ये पहला वेक्टर है. सेकंड वेक्टर B बार इज नथिंग BC जो है वो B बार से रिप्रेजेंट किया है. थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एडिशन ऑफ दोस टू वेक्टर्स. रिजल्टेंट यही होता है वेक्टर्स का, एडिशन ऑफ दोस टू ट्रायंगल्स. ओके, अच्छा बच्चों, अब हमें कभी कभी क्या है कि हमें पूछा जाएगा कि क्या A माइनस B क्या होता है सर, ठीक है? So let's see, A minus B क्या होगा? अगर मुझे negative निकालना हो, बच्चों ये ऊपर जो ये B vector है, तो negative करना हो, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? उल्टे dimension में, okay? उल्टे direction में, उल्टे direction में हमें एक vector निकालना पड़ेगा. तो this is minus B. अब B vector ऊपर जा रहा था, तो minus B क्या करेंगे? Magnitude same रखेंगे, सिर्फ direction उसका उल्टा कर देंगे. Okay? तो अब अगर मैं triangle बनाऊं, आप देखिए, अगर मैंने अब triangle बनाया यहाँ पे, okay? Let us say this is some D. तो A, B, D एक triangle हो गया, जिसका एक साइड क्या होगा ए बार, दूसरा साइड क्या होगा माइनस बी बार, तो रिजल्टेंट ए डी हो जाएगा. तो फ्रॉम फिगर आई कैन से ए डी बार क्या होगा, इट इज ए बी बार प्लस बी डी बार, और आई कैन से ए बार माइनस ऑफ या प्लस माइनस ऑफ बी बार. देयरफॉर हमें एक वेक्टर मिल गया विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. ओके, सो ए डी इज ए बार माइनस बी बार. ओके, तो आप समझो ज्योमेट्रिकली कैसे हो रहा है, राइट? एडिशन कैसे हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या हो रहा है. तो पहली बात तो समझना है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो वेक्टर. सबसे सिंपल बात यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन ना बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, इज ऑल्सो वेक्टर, इज ऑल्सो अ वेक्टर, है ना? तो दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया, तो जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, मतलब एक ए बार है एक बी बार है, तो एडिशन ए बार प्लस बी बार is third vector which is resultant of these two and it is represented by third side in opposite direction, opposite order. ठीक है, तो a b ये था, तो a plus b third side हो जाएगा. अब a minus b क्या होगा? तो a minus b भी एक नया vector आएगा, वो कौन सा vector होगा? a vector, तो वैसे b के जगह आपको minus b लेना है, तो आप opposite direction में एक vector लोगे, तो magnitude same रहेगा. okay, तो minus b आपने देखा मैंने कैसे नीचे लिया, तो b d is minus b, तो अब इसका resultant क्या होगा सर? a d होगा. AD is nothing but AB plus BD, which is nothing but A bar plus minus of B bar. इस बार वेक्टर जो है minus B है. Understood बच्चों? तो addition कैसा वेक्टर दिखा रहा है, subtraction कैसा वेक्टर दिखा रहा है, समझ रहे हो सब लोग?
बहुत अच्छी बात है ना, लिख लीजिए सब लोग। तो ये था पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, ऐसी और भी लॉज है ना, तो हम लोग पहले दो तीन लॉज जो है सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाओ, ना नोट्स बना रहे हैं, ठीक। यस, सो काफी अच्छे से साफ सुथरा नोट्स बनाइएगा। ओके, सो नेक्स्ट लॉ जो हमें पता है सेकंड, इसे कहेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब बहुत काम आता है हमारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इस बार क्या होता है कि दो वेक्टर्स जो है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन क्या कह रहे थे हम। सो अगर दो वेक्टर्स है वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ना लेट अस यहां ड्रॉ करता हूं, ये एक और ये सेकंड। वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मतलब ये कोइनिशियल है। ए पॉइंट, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। आगे और थोड़ा बढ़ाया जब लेटर से मैंने, आगे थोड़ा ठीक से बढ़ाते हैं। सो आगे अगर मैंने बढ़ाया, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, ओके, और फिर ऐसे कुछ किया। तो दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स, ए ए बी और ए डी, दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया, देन देन द डायगोनल कोइनिशियल, the diagonal which is coinitial, you know, coinitial diagonal with the two sides, with two sides is resultant of the given two vectors, resultant of the vectors. Okay, तो जो coinitial vector diagonal रहेगा ना, coinitial diagonal मतलब यहाँ पे देखो, मैं पूरा parallelogram complete करेंगे पहले, तो A, B और A, D दो adjacent sides हैं, तो parallelogram complete करो बच्चों। तो ऐसे आपने पूरा parallelogram complete किया, okay, तो parallelogram complete किया आपने। Now, since the sides are parallel, अगर ये A vector है तो ये भी A vector होगा, फिर ये B vector है तो ये भी B vector होगा, with same magnitude and direction, ठीक है। थोड़ा drawing मेरा खराब है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो आपने समझा कि ये और ये है ना, ये और ये exactly same है सर, ये और ये exactly same है, यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन है सर, yes, okay sir। तो diagonal, ये जो AC diagonal है, AC diagonal that is nothing but resultant of these two vectors, AC diagonal जो है वो क्या है, A bar plus B bar होगा, okay? So therefore, as from figure, sir कैसे है आप समझते हो? तो I can clearly see कि I have a triangle here, so using triangle law, in triangle ABC, आप simply triangle law लगा सकते हो, AB bar plus BC bar is equal to AC bar, अभी देखा था हमने, right? तो AC is diagonal, तो AC bar is equal to A bar plus B bar. Which is diagonal with coinitial with the two sides given to us. Understood बच्चों? So एक diagonal क्या होता है, हमेशा a bar plus b bar होता है, resultant of the two vectors represented by adjacent sides of a parallelogram. Understood? Okay sir, बहुत अच्छे। अच्छा, वैसे a minus b क्या होगा sir? Yes, है ना, मैं भी interested हूँ a minus b में। तो क्या करना पड़ेगा? Minus b निकालना पड़ेगा। Minus b कहाँ आएगा बेटा? नीचे। तो minus b vector हो गया। और अगर आप ये connect करते हो, कोई पॉइंट है इस बार E, तो ये जो ए होगा ये क्या होगा, ए बार माइनस बी बार होगा, एज वी हैव सीन अर्लियर, राइट। तो आई कैन क्लियरली सी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार, ओके। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे, अगर आप, हम जो भी पढ़ रहे हैं सारा फ्री वेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये वेक्टर अगर हमने फ्रीली मूव किया और ऊपर लेके चले गए हम, राइट, तो अगर हमने वेक्टर मूव किया और ऊपर लेके चले गए, इट रिप्रेजेंट्स द अदर डायगोनल, ओके। तो आप क्लियरली समझ सकोगे कि डीबी और ए है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है उनका, मैग्नीट्यूड भी सेम है उसका और डायरेक्शन भी सेम है, तो दे आर इक्वल वेक्टर्स। सो डीबी इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार, ओके। डीबी क्या होगा, ए बार माइनस बी बार होगा, आराम आराम से देखिएगा, तो कोई जल्दी नहीं है आपको, एकदम आराम से देखिएगा, समझिएगा बात को क्या कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स है एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दिखा रहे, तो वन ऑफ द डायगोनल जो कि कोइनिशियल है वो ए बार प्लस बी बार होगा, एंड द अदर डायगोनल इज गिवन बाय ए बार माइनस बी बार, ठीक है। So therefore, ये कौन सा है, ये coinitial वाला है, ये other. So thus I can say, thus the diagonals of parallelogram are, parallelogram के diagonals जो है वो एक होता है addition of the vectors and दूसरा हो जाता है subtraction of the vectors, ठीक है। So db vector जो है वो क्या हो गया, simply db vector is nothing but a bar minus b bar. सर ये free vector, यहाँ का यहाँ, ये दोनों क्या है, equal vector होंगे, ये दोनों ही equal vectors होंगे, understand the logic over here, ठीक है। तो ये है हमारा parallelogram law, प्लीज लिख लीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। जैसे हमने क्या किया, पहले
ट्रायंगल लॉ देखा, फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा, इसी को पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है। तो अगर एक एन साइडेड पॉलीगॉन बनाऊंगा मैं, देखिए, तो अगर मैं कहूँ कि ए बी एक साइड है ना, जिसका वेक्टर ए है, तो हमने कुछ बी सी लिया है ना, बी सी एक वेक्टर है, बी सी एक वेक्टर है जिसका जो वेक्टर लिखाया गया हमने बी बार, तो रिजल्टेंट ऑफ इट विच विल बी ए सी, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कहा था, ए सी क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार आएगा, करेक्ट, ये बात हो गई थी हमारी, ये ट्रायंगल लॉ था बच्चों, ठीक है, ओके। अब इसको बढ़ाता हूं मैं, लेट अस टेक वन मोर साइड हियर, सी डी साइड लिया मैंने, ये सी बार है, ओके, सी डी अगर मैंने लिया तो ये सी बार है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, तो व्हाट विल बी ए बी नाउ, यहां से ए डी क्या रहेगा, है ना, ए डी सॉरी, है ना, ए डी क्या रहेगा ये बताना पड़ेगा। सो कैन आई से फ्रॉम फिगर, अब ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए डी बार जो है, कैन आई राइट इट एज बच्चो ए सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ सर, यस है ना, ये ऑर्डर में बराबर, ए सी प्लस सी डी इज नथिंग बट ए डी, अगेन कौन सा लॉ यूज कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल लॉ ही यूज कर रहा हूँ, वॉट वॉज ए सी, ए बार प्लस बी बार, एंड व्हाट इज सी डी, सी बार, देयरफॉर ए डी बार कम्स आउट टू बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब बच्चों आराम से देखिएगा, मतलब क्या कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, बात तो बराबर है, एक बंदा अगर आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो इट इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या होना चाहिए आपका, ए टू डी होना चाहिए, राइट, पॉलीगॉन लॉ यही कहता है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहला तो ट्राइंगल सही था, इसके आगे क्या किया मैंने कि हमने एक और साइड ले ली, सी बार वो एक वेक्टर दिखा रहा है साइड, ठीक है, तो AD बार इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल थ्री, सम ऑफ ऑल थ्री, ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए और एक आगे बढ़ाते हैं इसको, लेट अस टेक वन मोर हियर, मैं अगर यहाँ पे एक और लेता हूँ, डी लेता हूँ, ठीक है, सो डी लेता हूँ, और अगर मैं ए निकालना चाहूँ, है ना, लेट अस ट्राई टू फाइंड ए, ठीक है, तो आपने डी लिया, लेट अस से डी का डी बार है और आपको ए निकालना है, तो अगेन कैन आई टेक अ ट्रायंगल ओवर हियर, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सो आई विल से लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी जो ट्रायंगल है इसमें ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या होगा बेटा, है ना, ए इज इक्वल टू ए डी प्लस डी ई, ना ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगाओगे आप तो क्या होगा, ए डी प्लस डी इज ए, बहुत काम की चीज है ना, बहुत बार हमें यूज होने वाली सारी चीजें, ठीक है, ओके सर, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, ओके, तो ए डी क्या था हमने निकाला था, तो इट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, है ना, ये जो ए डी वेक्टर है ये क्या था, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और फिर डी वेक्टर इज प्लस डी बार, देयरफॉर ए ई कम्स आउट टू बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, गॉट इट। अगर आप एक और साइड आगे लेके जाओ तो सर आ गया हमें, राइट, लेट अस से अगर एक और साइड लाया मैंने यहाँ पे एफ बार या ई बार है, ठीक है, लेट अस से ई बार एंड दिस इज ई एफ, तो ए एफ क्या होगा सर, राइट, ए और एफ कट करोगे आप, तो ये तो क्या था, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार आ गया था, तो प्लस ई बार होगा, तो फ्रॉम फिगर आई कैन से ए एफ इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार हो जाएगा, गॉट इट, सो दिस इज पॉलीगॉन लॉ, इट कैन बी इंक्रीज टू एन साइड्स, है ना, ये एन साइड्स के हम कर सकते हैं, पहले ट्रायंगल लॉ, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर ऐसे करते हो, तो ये कह रहा है कि ए एफ इज नथिंग बट यू आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, दैट इज इक्वल टू ए टू एफ, तो ए एफ इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार, ओके, तो ये हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है ना, ये कोई भी साइड और साइडेड फिगर के लिए चलेगा, फाइव साइडेड, सिक्स साइडेड, सेवन साइडेड, ठीक है, सबके लिए चलेगा, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, आपने नोट कर लिया ना, तो तीनों लॉस से हमें समझ में आ गया कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है, ओके, कैसे एडिशन निकाला जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन निकाला जाता है, हमने सारी बातें देख ली, ओके, सो नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ काम आ जाएगी हमें प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह होते, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हाँ, पहली प्रॉपर्टी कि कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव का मतलब सर ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, इट इज ओनली फॉर एडिशन, है ठीक है ना, आपको समझ में आता है, ए बार प्लस बी बार और बी बार प्लस ए बार एक ही बात होगी, ठीक है, ओके सर। सेकेंड कम्यूटेटिव के बाद इट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब बेटा अगर आपको तीन वेक्टर्स का एडिशन करना है तो यू कैन डू एनी टू फर्स्ट, यहां देखो क्या कर रहा हूं मैं कि ए बी बार प्लस सी बार एक नया वेक्टर आ गया उससे ऐड हो रहा है और सी ए बार प्लस बी बार से एक नया वेक्टर है राइट उससे ऐड हो रहा है, द रिजल्टेंट द आउट द इन तीनों का जो बनेगा दैट इज ऑलवेज सेम, ठीक है सेकंड, देन नेक्स्ट ऐसी बात होगी
जब भी आप ए बार प्लस नल बार करोगे ना, नल वेक्टर से ऐड करोगे, दैट विल बी नथिंग बट ए बार। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ए बार प्लस माइनस ऑफ ए बार इज नथिंग बट नल। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप थोड़ा लॉजिकली समझिए, क्या आप ए से बी गए, दिस इज ए बार, माइनस ए बार क्या होगा, वापस आए, ठीक है वापस आए, तो इसका मतलब तो वही हुआ ना कि जहां से शुरू किया तो वही पे एंड हुआ, विच इज नल। जितना आप गए थे उतना ही वापस आए, है ना, उतना ही डायरेक्शन मैग्नीट्यूड राइट सब देखो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, अंडरस्टूड बच्चों? ओके, ये फोर्थ हुआ। देन और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ए बार का मैग्नीट्यूड और माइनस ए बार का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा सर, और क्योंकि माइनस क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट करता है, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर हमें चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, माइनस ए होगा, ठीक है। तो माइनस ए बार यह है सिर्फ अपोजिट में। अब ये सिक्स प्रॉपर्टी बड़े काम की है, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ फटाफट यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ ट्राइंगल बनाया हमने, ये ए बी वेक्टर जो है ये ए बार है, बी सी जो है और ये बी बार है, ओके। और ये जो हमारा रिजल्टेंट आएगा ये ए बार प्लस बी बार आएगा, ओके। सो हमें पता है इनर ट्राइंगल, राइट। तो इनर ट्राइंगल वी ऑल नो क्या पता है सर हमको, इनर ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। तो ए सी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ ए सी, ए सी वेक्टर क्या करे, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू देयर सम, ओके, देयर सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, ओके। तो उनके सम से हमेशा इक्वल रहेगा, इंडिविजुअल सम से। मतलब ये ऐसा कह सकते हो कि ए बार प्लस बी बार इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ऑल्सो ए बार माइनस बी बार इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ओके। ए बार माइनस बी बार भी हमेशा लेस रहेगा, क्योंकि ए बार माइनस बी बार क्या होता है सर, वो भी तो एक ट्रायंगल बनाता है, आपने देखा हुआ है ना सारा, ओके। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अच्छा थर्ड पॉइंट ये भी पता है आपको, क्या सब्ट्रैक्शन, ओके। थर्ड पॉइंट क्या पता है सर हमको, सब्ट्रैक्शन के बारे में, इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे, इसी से आप देखो ना, इसी से आप देखो, कोई भी दो का सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड, अंडरस्टूड बच्चों? तो अगर मैं कहूं कि ए बार प्लस बी बार इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन, राइट, ओके सर, ऐसा होगा। फोर्थ पॉइंट, यू कैन ऑल्सो से ए बार माइनस बी बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ए भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए एक और मॉड लगाया हुआ है, राइट। तो ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, सबको समझ आना चाहिए यहाँ पे, सबको समझ आना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। और क्या कह रही है प्रॉपर्टी, यही वाली बात कि दो साइड्स का सम हमेशा, दो साइड्स का सम है ना, ये दो साइड्स का सम है, लेंथ ऑफ टू साइड का सम, ये हमेशा बड़ा रहेगा थर्ड साइड से, थर्ड साइड ए बार प्लस बी बार है ना, तो डिफरेंस के लिए भी सेम ट्रू है। और दो साइड्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा छोटा रहेगा, दो साइड्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा छोटा रहेगा, राइट। सिंपल सिंपल लॉजिक है जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ इनइक्वालिटी एंड ऑल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत सारी जगह पे हम यूज करते हैं, मॉडुलस के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, ओके। सो याद रहेगी आपको पक्का, लिख लीजिए प्लीज। तो एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा, एडिशन लॉ है ना, कैसे कैसे एडिशन लॉ पढ़े, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, फिर उसके बाद में पॉलीगोन लॉ। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, देखिए हमें बोला गया है कि ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देन तो हमने पढ़ा है कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स है ये, राइट, ये दो एडजेसेंट साइड है ए बार और बी बार, ठीक है। तो हमने देखा ना वन ऑफ द डायगोनल क्या होता है जब हम बनाते हैं, तो कि वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन बाय ए बार प्लस बी बार एंड द अदर डायगोनल इज ए बार माइनस बी बार, राइट, ओके सर। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी कहूँ, ठीक है, तो ए सी वेक्टर डायगोनल इज ए बार प्लस बी बार, वन ऑफ द डायगोनल, ठीक है। और फिर उसके बाद बी डी वेक्टर और डी पी वेक्टर, ठीक है, कोई भी बीडी या डीबी, तो लेट अस डीबी कह रहा हूँ, डीबी वेक्टर इज नथिंग बट ए बार माइनस बी बार, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बी माइनस ए नहीं हो सकता है, कैसा हो सकता है, दोनों चीजें कनेक्ट है, ए माइनस बी या बी माइनस ए, बस डायरेक्शन में ध्यान देना पड़ेगा। ए बार प्लस बी बार, हमें ए बार पता है क्या दिया है, यस आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस टू आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के, राइट। हमने पहले भी पता किया था लास्ट लेक्चर में भी कि आई जे के टर्म्स में लिखा होता है कोई भी एक पॉइंट, आई जे के का मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है, राइट, ये सारी बात। एडिशन कैसे होगा, जैसे नॉर्मली होता है आई का आई के साथ, तो इट विल बी थ्री आई, टू जे और फोर जे इट विल बी सिक्स जे, थ्री और माइनस टू तो ये क्या होगा माइनस टू के, ना एडिशन ऐसा होगा। दिस इज वन ऑफ द डायगोनल, ये जो ऐड किया हमने आई का आई के साथ ऐड होगा, जे का जे के साथ ऐड होगा, के का के साथ ऐड होगा, तो ये एक वेक्टर हुआ बच्चों,
वैसे यहाँ पे आई प्लस टू जे प्लस थ्री के माइनस, अब बी वेक्टर क्या है, टू आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के, ठीक है। तो आई आई के साथ होगा सब्ट्रैक्ट इस बार, तो माइनस आई हो गया, टू जे सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस टू जे हो गया, थ्री के माइनस माइनस प्लस तो प्लस एट के हो गया, ठीक है। तो माइनस आई माइनस टू जे प्लस एट के, ये हमारा सेकेंड डायगोनल है। तो ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। कुछ लोग कहेंगे सर बी माइनस से ले लिया तो गलत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क पड़ा है। हमने डी भी कहा, अगर आप माइनस से बी माइनस से करते हो तो क्या होगा, बी डी हो जाएगा। ओके, तो दो वेक्टर्स आ गए हमारे, तो ये दोनों डायगोनल्स है, तो दिस आर द टू डायगोनल वेक्टर्स, ठीक है, ये हमारे डायगोनल्स है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आपको बोला यूनिट वेक्टर अलोंग विद, तो बेटा ये एडिशन एक नया वेक्टर आ गया ना, तो आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या हुआ सर, एसी कैप बताना है, है ना। तो एसी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए इसका मैग्नीट्यूड देख लें, यहीं पे बता रहे कैसे निकालते मैग्नीट्यूड। ओके, सो लेंथ ऑफ एसी या मैग्नीट्यूड, तो रूट ओवर थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, सॉल्व करोगे सेवन आएगा। ओके, तो यूनिट वेक्टर जो है बच्चों वो क्या आ गया आपका, थ्री आई प्लस सिक्स जे माइनस टू के बाय सेवन। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे सर प्लस माइनस, यस हो सकता है, दिस इज अलोंग एसी, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एसी कहोगे तो यहाँ हम प्लस माइनस ले सकते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर के वक्त। ओके, दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट टू हैव। अब कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे, दो हो सकते हैं, एक खुद डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्लस माइनस आप ले सकते हो, अंडरस्टूड ना, समझ रहे हो ना। जैसे डीबी कैप खोला जाए तो आई कैन से प्लस माइनस डीबी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर। लेट्स चेक डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर, 64, 69 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, रूट ऑफ 69। दिस इज डीबी का लेंथ, सिर्फ डीबी लिखा मतलब लेंथ हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस आई माइनस टू जे प्लस एट के डिवाइड बाय रूट ऑफ 69। तो ऐसे हमारे दो यूनिट वेक्टर्स आ गए अलोंग डायगोनल, ना दोनों काम हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सिंपल है ना, बस लॉजिक या फॉर्मूला या मेथड बताना चाहिए कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दिस रिप्रेजेंट्स डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन बाय टू एडजेसेंट साइड्स एज ए एंड बी। अंडरस्टूड, ऐसे किया यूनिट वेक्टर का तो कांसेप्ट हमने देखा ये लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर को देखें, क्लियर करें, ठीक है बच्चों। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात हो गई, तो लिख लो फटाफट लिख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये आपको दिखेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, हर बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। ओके, अब एडिशन लॉ से रिलेट करते हुए क्वेश्चन जो है वो एक और कैटेगरी में आते हैं, पेंटागॉन और हेक्सागॉन। तो मैं यहाँ एक बात करूंगा, प्रॉब्लम्स ऑन हेक्सागॉन, जब भी हेक्सागॉन आएगा ना तो इनपे प्रॉब्लम जो आएंगे वो देखेंगे हम, चलो प्रॉब्लम्स ऑन हेक्सागॉन। एक हेक्सागॉन को रीड करके रख लेते हैं, समझ के रख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, हेक्सागॉन हम सबको पता है दिखता कैसे है, सिक्स साइडेड फिगर होता है बच्चों, सिक्स साइडेड फिगर, ठीक है। ओके, सिक्स साइडेड फिगर ए बी सी डी ई एफ। ओके, इस हेक्सागॉन का है रेगुलर हेक्सागॉन, है ना, ये रेगुलर हेक्सागॉन क्यों का है, क्योंकि इसके साइड सबके इक्वल होते हैं। ओके, रेगुलर हेक्सागॉन मतलब इसका साइड इक्वल होते हैं। अब ये सेंटर है बच्चों, ओके, तो हेक्सागॉन का क्या होता है ना कि लेंथ सबकी इक्वल है, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ, सबके लेंथ एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह, एफ ए का भी लेंथ, सबका लेंथ इक्वल है ना, लेंथ इक्वल होती है बच्चों। अच्छा, अगर लेंथ इक्वल है, आप देखो ए बी और ई डी डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम, तो कैन आई से फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ई डी वेक्टर। वेक्टर्स इक्वल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने चाहिए, राइट। मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि ये और ये लेंथ साइड इक्वल है, डायरेक्शन भी देखो ना यही डायरेक्शन है, यस, सो ए बी और डी ई इक्वल होगा। ऐसे ही आप और पेयर बना सकते हो बच्चों, यस सर, बी सी वेक्टर एफ ई से, ठीक है, तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ ई वेक्टर। देखो डायरेक्शन, कुछ लोग कहेंगे सर मैं ई एफ नहीं कह सकता क्या, ई एफ कहूंगा तो माइनस हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे ई एफ कहोगे तो माइनस ऑफ ई एफ हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ई हो जाएगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट करते हो तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, आप माइनस इंट्रोड्यूस कर लोगे। ओके, सिमिलरली आप सी डी के बारे में बात करो, सी डी किससे होगा, ए ई, है ना, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, यस, तो आई कैन से कि सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए ई वेक्टर, और आप कहोगे तो माइनस ऑफ ई ए भी कह सकते हैं ना, अगर ई ए कहना है आपको, ऑर्डर चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा,
एफ था ना ये, सॉरी ई नहीं है, क्या है ये, एफ है। ओके फिर से देख लो बच्चों, फिर से ये वाला चीज एफ था, ये मैंने ई गलती से रीड किया। ओके तो ये जो सी डी वेक्टर है, इस वाले वेक्टर से इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो ए एफ इज इक्वल टू सी डी, ए एफ इज इक्वल टू सी डी। और अगर आपको एफ ए लिखना हो तो माइनस आ जाएगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया बात चल रही है। ओके अच्छा एग्जाम्पल की एक और बात है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है वही आपका साइड का डिस्टेंस होता है, वही आपका साइड का डिस्टेंस होता है। तो आई कैन क्लियरली से OA का जो मैग्नीट्यूड है या लेंथ है, ना लेंथ ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ, तो जो OA का मैग्नीट्यूड होगा वही साइड्स का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब आई कैन से BC का मैग्नीट्यूड वही होगा, OA और BC का मैग्नीट्यूड वही होगा। तो अगर मैं AD वेक्टर देखूं तो कैन यू अंडरस्टैंड कि OD, OD वेक्टर या AD वेक्टर जो भी कहो, है ना, OD AD है ना, OD AD AO BC have same direction. Do you all understand बच्चों? Have same direction. ठीक है, ये second point चल रहा है हमारा। Second point क्या? कि ये length इतना equal है। अगर मैं कहूँ कि ये R है, ये भी R है और ये भी R है। Understood? तो ये length सबके equal है। Length क्या है? सभी के equal है। और direction AD का किससे बराबर है? BC से। तो can I conclude from here? Can I conclude from here? AD vector is two times of BC vector. Understand all of you, है ना, समझने की कोशिश करिए। AD वेक्टर का डायरेक्शन और BC का डायरेक्शन सेम है ना, पहली बात। तो इक्विटी हो सकती है, मैग्नीट्यूड डबल है, मैग्नीट्यूड डबल है, तो देयरफॉर AD इज ट्वाइस ऑफ BC। ऐसी और रिलेशन देखेंगे, अगर आप डायगोनल्स देखेंगे, एक देखा, अब ये एक डायगोनल देखते हैं ना, ये डायगोनल बेटा, इसका डायरेक्शन किसके बराबर है? इन दोनों के बराबर है। कहने से AB, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल होगा सर, यस। तो आई कैन से FC वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर। I can also say twice of AD vector. वैसे BC की जगह पे सर मैं FA भी कह सकता हूँ, yes. ना सब लोग समझ रहे हो ना? ना सब लोग समझ रहे हो ना? Diagonal जो है ये एक साइड से पैरेलल रहेगा, diagonal एक साइड से पैरेलल रहेगा, ना सेम डायरेक्शन है इनका, ओके लाइक वेक्टर्स है बेसिकली ये, और साथ साथ मैग्नीट्यूड डबल रहेगा। सिमिलरली एक और डायगोनल रहेगा सर, ये वाला, ना ये सेंटर से जाएगा, यस। तो BE किसके? CD से। I can say BE vector is equal to twice of CD vector. है ना, BE vector is equal to twice of CD vector. या AF भी कह सकते हैं सर, yes, twice of AF vector. Okay, तो ये हमारा बड़ा काम का है ना, बड़ा काम का चीज है hexagon में। ये आप नोट करके रखेंगे, बहुत बार प्रॉब्लम हमें hexagon के आते हैं, right? तो कैसे करना है, क्या करना है, हम देखेंगे भी examples के थ्रू। तो ये अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है। सबकी लेंथ इक्वल है और ये जो है diagonals डबल लेंथ के होते हैं। Therefore, AD is twice of BC. Parallel किससे? BC से है। Okay, ऐसे देखना है आपको। सारे directions अच्छे से देखिए। Okay, so लिख लीजिए बच्चों। तो अभी example लिखेंगे hexagon और pentagon से related। लिख लीजिए please। बच्चों next example, A bar and B bar are two consecutive sides of a regular hexagon। ना hexagon बता दे, regular hexagon। ठीक है सर, अभी बनाया था ना हम लोगों ने, बस वही बात फिर से हो रही है। A B C D E F, ऐसा इसका नाम। ओके okay. बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है ना हमारे लिए। ओके ए बी, ए बार एंड बी बार टू कंसेक्यूटिव साइड्स, इसको ए बार ले लेते हैं, इसको बी बार ले लेते हैं, दो कंसेक्यूटिव साइड्स। देन एसी निकालना है ना, एडी निकालना है, डीए निकालना है। चलो भाई स्टार्ट करें अपना काम, है ना, एसी वेक्टर निकालना है सर। चलो देख ले एसी वेक्टर क्या है यहाँ पे। अब देखो ए से सी को कनेक्ट करोगे, सिंपली हमने कर दिया। ओके इसके बाद आपको एडी निकालना है। अच्छा एडी निकालना है, आप देखोगे ये वेक्टर है एडी, आप थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लो। तो आप सबने अभी देखा था ना, क्या देखा था सर, AD is twice of BC. AD क्या हो जाएगा? Twice of B vector हो जाएगा। ना AD vector निकालने बोला है आपको, तो आप बोल रहे हो AD एक diagonal vector है, okay? AD जो है किससे parallel है? BC से parallel है। Okay sir. Third DE निकालना है सर, DE vector निकालना है। Okay बेटा, ना DE vector निकालना है। So can I say DE vector और AB vector क्या होगा? ना DE vector और AB vector क्या होगा सर? Okay, ना minus of AB वेक्टर जाएगा। देखो जो AB वेक्टर है वही DE वेक्टर की तरह है, अंडरस्टूड, राइट? लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो आई कैन से इट इज माइनस ए, तो DE वेक्टर क्या है? माइनस ए आ गया। अच्छा चलो और थोड़ी चीजें निकालते हैं ना, AE वेक्टर निकालते हैं।
एई वेक्टर निकालना है सर, है ना, और भी थोड़ी चीजें निकाल लें। एई वेक्टर तो पता करें, एई वेक्टर मतलब क्या बोला गया, ये पता बोला गया है सर, एई वेक्टर ऐसा बोला गया। तो कहने से एई वेक्टर इज नथिंग बट एडी प्लस डी वेक्टर, करेक्ट, एडी प्लस डी वेक्टर, अंडरस्टूड ना। एई वेक्टर आप इसमें ट्रायंगल लगा लीजिए, है ना, एडी प्लस डी एई, सर ये भी हो सकता है, करेक्ट, ये भी हो सकता है बेटा, ना जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हो आप। पर मैं क्या कर रहा हूँ, एडी पता है मुझे, डी पता है मुझे, तो लेट्स डू दिस, लेट्स यूज दिस। एडी पता है, डी पता है, एडी क्या था हमारा ट्वाइस बी वेक्टर, और डी क्या है माइनस ए, तो इसका आंसर क्या होगा, टू बार माइनस ए बार। सर अगर मैं इधर से लू तब भी सेम आएगा क्या? यस सेम आएगा, सेम आएगा बच्चों, एकदम सेम आएगा, ठीक है। तो आपको जिस तरह लेना है ले सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंड कि किस मतलब कैसे आएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वेक्टर चाहिए उसको आप निकाल लो, ड्रॉ कर लो। अब कैसे मैं ट्रैवल करूँ, इधर से करूँ इधर से करूँ, तो सर ये रास्ता पता है ना, जो रास्ता पता है उसी से जाओगे। एडी पता है, डी पता है, तो बस उन दोनों का एडिशन कम्स आउट टू बी ए। ऐसे हम सारे अलग अलग है ना, सारे अलग अलग डायगोनल साइड सब निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा किसी ने पूछ लिया सर सीडी निकाल के दिखाइए, सीडी क्या होगा? अच्छा सीडी कैसे निकालूंगा, तो कौन सी चीजें पता है आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो कहना है से, कहना है यूज हियर, सब लोग ध्यान दीजिएगा, कहना है से एसी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या कर रहा हूं मैं, कैसे ट्रेवल कर रहा हूँ। किसी ने अगर आपको सीडी निकालने बोला ना, सीडी निकालने बोला, ये वाला वेक्टर निकालना है आपको, तो सर मैं एसी सीडी दिस इज इक्वल टू एडी, करेक्ट। अब एसी सबको पता है, एसी निकाल के रखा है आपने, यस ए बार प्लस बी बार है, सीडी नहीं पता सर, और ये है टू बी बार, उधर चला जाएगा बेटा, तो सीडी इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। सीडी क्या रहा है, पूरा सॉल्व करोगे तो बी बार माइनस ए बार, ये थर्ड साइड आ गया आपका। तो सारी बातें आप निकाल सकते हैं, बस आपको देखना है कि ट्रेवल कैसे करूंगा मैं। हमेशा आपको देखना है ट्रेवल कैसे करना है, जितने मैक्सिमम रास्ते पता है अपने को, है ना, जो ज्यादा नोन चीज है वहां से आप करोगे ट्रेवल। ओके, तो एसी पता था, यस, है ना, सीडी नहीं पता लेकिन एडी पता है, तो आई कैन से कि एसी प्लस सीडी इज एडी, यूज दिस एंड यू कैन गेट द आंसर रिक्वायर्ड। और समझने की कोशिश करिए बच्चों, कैसे ट्रैवल करता हूँ, कैसे चीजों को निकालता हूँ, बहुत अच्छा फ्लो बनाना होता है आपको हमेशा आपको, ठीक है, सारी चीजें निकाल सकते हो इस एग्जाम को लेकर, अंडरस्टूड बच्चों। चलो लिखो आप, अब तक एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, है ना, इस बार जो है पेंटागन से रिलेट कराता हूँ एग्जाम्पल में। आप लोगों को लगे अगर कि आप सॉल्व कर सकते हो तो गो अहेड बच्चों, ना सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर बोलते से ही समझना है सारे साइड्स इक्वल है, ओके, देन रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ए बी ए बी सी ई डी DCEs, ठीक है, आपके ऑप्शन है AC वेक्टर, ट्वाइस ऑफ AC वेक्टर, थ्राइस ऑफ AC वेक्टर एंड फोर टाइम्स ऑफ AC वेक्टर, ठीक है, ये ऑप्शन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बच्चों, पहले आया हुआ भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चन नीचे वाला भी आया हुआ है एग्जाम वन का, राइट, बहुत पहले, सारे क्वेश्चन मोस्टली प्रीवियस ईयर ही लेता हूँ बच्चों में। ओके, सबको ठीक लग रहा है ना, सारा समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। सर पेंटागन का क्वेश्चन है, एक बार देख ले पेंटागन कैसे होता है, पेंटागन मंदिर, बचपन में ड्राइंग में हम सबसे पहला शेप निकालते ही है, सही बोल रहा हूँ मैं, जब हमें ड्राइंग सिखा रहे होते हैं छोटे क्लासेस में तो यही निकलवाते हैं और यहाँ पे झंडा लगा देते हो आप, सही बात है ना। ओके, अभी झंडा नहीं लगाना है, अभी सॉल्व करना है, झंडा नहीं लगाना है, सॉल्व करना है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ओके, ऐसी बात है। आपको रिजल्टेंट और बोला जाए तो रिजल्टेंट मतलब सबका एडिशन करना है, ए बी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ई डी प्लस डी सी, क्या होगा ये बताना है आपको। अच्छा सारा आंसर एसी के टर्म्स में, सारा आंसर एसी के टर्म्स में, तो ए और सी को कनेक्ट कर लू, क्या आप यहां से देखते हैं क्या ए बी प्लस बी सी इज ए सी बच्चों, आप देख रहे हो, है ना, ए बी प्लस बी सी ए सी हो जाएगा। क्या मैं एक और बात समझ रहा हूँ, एसी को सर मैं इस तरफ भी ट्रेवल करूँ तो मिल जाएगा ना आपको, ऑल्सो आई कैन से ए प्लस ई डी प्लस डी सी इज ए सी, आप दोनों बातें समझ रहे हो, आपको सब एसी के टर्म्स में आना है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो एसी कैसे आएगा, इधर ट्रेवल करो, इधर से ट्रेवल करोगे तो एसी कैसे मिलेगा, ए बी प्लस बी सी, इधर से करोगे तो ए प्लस ई डी प्लस डी सी हो जाएगा, बराबर। अगर आपने ऑब्जर्व किया यही सारी चीजें ऐसे क्या, देखो बस रीअरेंज करूंगा, ए बी प्लस बी सी पहले लिख दिया मैंने, ये दोनों को पहले लिख दिया, फिर ये ए प्लस ई डी प्लस
प्लस डी सी जो बच गया वो लिख लिया। आपने देखा यहाँ पे कि ए बी प्लस बी सी क्या है सर, ए बी प्लस बी सी यही ए सी है, और ए प्लस ई डी प्लस डी सी क्या है, ये भी ए सी है। तो आंसर क्या है मेरा, ट्वाइस ऑफ ए सी। क्या कहते हो, क्वाइट इजिली डन है ना, हम लोगों ने तो बहुत ही इजिली सॉल्व कर लिया इसको। हाँ, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझे आप, अच्छे से समझिए आप क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ भी दिया जाए, रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन निकालना, आप सब जो भी फोर्सेस दिए, जो भी वेक्टर्स दिए, उनका एडिशन इज रिजल्टेंट। ओके, तो सारा एडिशन ऐसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें फिजिक्स में भी करी होती है, तो क्या करे सर, कैसे करे, समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको ऑप्शन सारे एसी में दिए, एसी कैसे कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी, सर ए बी और बी सी दिखा, उसको एक साइड ले लिया, बचा हुआ सब वो भी एक साइड ले लिया, यू गेट द रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा था पहले भी, और एक बार देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तीनों डायरेक्शंस की, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। हम सबको पता है कि एक्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, है ना, वाई में यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए, है ना, कोई पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, ओके, और दूसरा भी पॉइंट है बी, तो आप सबने पढ़ा था कि जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेता हूं तो OA वेक्टर, OA वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ A, करेक्ट, ओके। अगर मैं कनेक्ट करूं OA, वैसे OB विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू O लेते हैं तो OA इज PV लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, एंड OB इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। अच्छा, क्या आप सब लोगों को एक और वेक्टर बनता दिख रहा है यहाँ पे, यस। अगर मैं ए और बी को कनेक्ट करता हूं तो मुझे एक ए बी वेक्टर मिलता है। सो व्हाट विल बी ए बी वेक्टर, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। क्या ए बी वेक्टर को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ ए बार बी बार से, है ना, ओ ए को मैंने ए बार ले लिया, बी को मैं बी बार ले लेता हूँ, ए बार बी बार पोजिशन वेक्टर ले लिया मैंने। अच्छा, तो सर ये ट्राइंगल बनता दिख रहा है सब लोगों को, ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर आप लगाते हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर आप लगाते हो तो देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ओ ए बार प्लस ए बी बार, है ना, ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार। अंडरस्टूड बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन देखो, कोई दो साइड्स का सम इज थर्ड साइड, ये एक ऑर्डर में दिख रहा है ना, ओ ए और ए बी ऑर्डर में दिख रहा है, इट इज इक्वल टू ओ बी। तो फ्रॉम हियर आई कैन से ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार माइनस ओ ए बार, ए बी बार इज इक्वल टू ये क्या होगा, बी बार माइनस ए बार। तो जनरलाइज कर सकता हूं क्या मैं यहाँ पे, ए बी बार इज इक्वल टू ए बी में टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, बी, ए से बी जा रहा है ना, तो ए बी वेक्टर में बी टर्मिनल पॉइंट है, तो कह रहे हैं से पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। देखिए मैं जनरलाइज कर रहा हूं चीजों को ना बच्चों, सब लोग आराम से देखिए, मुझे ए बी वेक्टर पता करना है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो ए बार है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी बार है, पोजीशन वेक्टर मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो रहा है सारा, ठीक है। तो ये ए बार दिया, ये बी बार दिया, ए बी बार क्या होगा, तो ये सब करने के बाद हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि ए बी बार कैन बी रिटन एज बी बार माइनस ए बार, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। सिमिलरली अगर मैं कभी आपको कहूं कि व्हाट विल बी सी डी बार, तो आप कहोगे सी ओ डी में टर्मिनल कौन सा है, डी, तो इट विल बी डी बार माइनस सी बार, ओके, वेयर डी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, ओके। समझ रहे हो बच्चों आप लोग, टर्मिनल पॉइंट जो है वो डी है और इनिशियल पॉइंट सी है, इस तरह की हमारी बात हो जाएगी। अच्छा सर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज नथिंग बट मॉड ऑफ बी माइनस ए। अगर मुझे लेंथ निकालना हो, हाँ लेंथ निकालना हो तो क्या होगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए। चलो इसको भी देखें, पहला पॉइंट आप सबने लिखा, ओके, पोजीशन वेक्टर के बारे में पहला पॉइंट लिख दिया फटाफट, अब बच्चों लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ आ रहा है ना, बहुत आसान आसान, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें देख रहे हैं हम लोग। यस, तो सेकंड नोट ना, इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू आर गिवन एज एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के एंड एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, देन पी क्यू का लेंथ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ओके। अगर मुझे पी क्यू वेक्टर निकालना है तो भी आपने पढ़ा था फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है बेटा, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, माइनस इनिशियल क्या है, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, करेक्ट। देयरफॉर पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो इट विल बिकम नाउ एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे, करेक्ट,
और प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, ये पी क्यू वेक्टर बन गया। अगर कोई वेक्टर हमें पता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है हमें पता है ना, रूट ओवर इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। सर ये तो एकदम डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह हो गया। यस बच्चों है ना, जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं ना, पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, सेकेंड पॉइंट एक्स टू वाई टू जेड टू। ओके चलिए इसी पर भेजना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल जो मेन्स लेवल का है आ जाता है बहुत बार। तीन पॉइंट दिए और बोला गया ट्राइंगल कैसा है, तो हम क्या करेंगे तीनों की लेंथ निकालेंगे राइट। लेट अस से इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। ए बी का लेंथ क्या आएगा, लेंथ ऑफ ए बी, अगर मैं बाहर में लगाऊं तो ए बी क्या है, सिर्फ लेंथ दिखाता है। चलिए निकाले ए बी, सर इन दोनों में लगाना पड़ेगा आपको ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह। यस तो माइनस वन माइनस जीरो स्क्वायर, ठीक है ए बी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, रूट नहीं लिखूंगा। ओके तो समझ रहे हो सब लोग, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह सिक्स माइनस सेवन स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस टेन स्क्वायर, तो क्या आता है बेटा वन स्क्वायर अगेन वन स्क्वायर और ये फोर स्क्वायर, करेक्ट कितना हो गया देखिए 16 और 18 हो गया सर। समझ रहे हो सब लोग ना, एकदम आराम से देख लो ठीक है, वन स्क्वायर और फिर भी वन और माइनस आ रहा था सर, तो स्क्वायर में एक ही बात होती है। फिर आप बीसी निकाल लो, बीसी का स्क्वायर क्या होगा, बी और सी फाइनल माइनस इनिशियल सी माइनस बी करना होगा, माइनस फोर प्लस वन स्क्वायर हो गया सर। ओके फिर उसके अंदर नाइन माइनस सिक्स स्क्वायर हो गया करेक्ट, एंड सिक्स माइनस सिक्स स्क्वायर हो गया, कितना आ रहा है थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर कितना हो गया सर 18 हो गया। अंडरस्टूड यस। फिर देन थर्ड साइड निकालेंगे ए सी स्क्वायर, ए और सी अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस फोर सर एक्स का मतलब आई कंपोनेंट तो है नहीं यहाँ पे, प्लस नाइन माइनस सेवन स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस टेन स्क्वायर कितना आ गया, ये तो ये फोर स्क्वायर हो गया, ये टू स्क्वायर हो गया, ये फोर स्क्वायर हो गया, आई गेट इट एज 36। तो क्या आप सब समझते हैं क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया सर, पाइथागोरस थ्योरम वाली बात होगी। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ओके मतलब ये जो है ना इसी का एप्लीकेशन देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, हाउ डू वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। काफी बार ऐसे तीन पॉइंट्स दिए होते हैं ट्राइंगल कौन सा है, चार ऑप्शंस दिए होंगे, चार पॉइंट दिए क्वाड्रेटर कैसा है, हमने बेसिक ज्योमेट्री में भी पढ़ा, सेम अप्रोच हम 3D में भी लगा सकते हैं, ये बात हमें जाननी है ठीक है। तीन पॉइंट दिए, इनके लेंथ निकाली और उससे हमें समझ में आया कि ट्राइंगल कौन सा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा है। ओके अच्छा तो लिख लीजिए नोट्स ना, सारे नोट्स बनाते रहिए। चलिए सेशन को एंड करते विद अ स्टार एग्जांपल, पहले कंप्लीट करो बच्चों आज का जो स्टार क्वेश्चन है रेगुलर एग्जाम के ऊपर है ठीक है, ए बी सी डी ई एफ विद सेंटर ओ है ना, ओरिजिन जो है सेंटर है। वैसे जो बच्चों दो क्वेश्चन है, दोनों के सिंगल करेक्ट आंसर है, आपको आंसर्स देने हैं मुझे ठीक है। ए डी बार प्लस ई बी बार प्लस एफ सी बार इज, हमने बताया है ऑलरेडी क्या होता है हेक्सागन ठीक है। फिर रिजल्टेंट ऑफ ए बी बार प्लस मतलब ए बी बार ए सी बार ए डी बार ए बार ए एफ बार इज, ये सॉल्व करना है जो भी आपके आंसर है, दोनों के आंसर देने हैं आपको। कमेंट पक्का करिएगा, मुझे पता चलता है आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस टॉपिक की। सॉल्यूशन अगर किसी को जानना हो कैसे करते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करेंगे गणितंक नाम से, ओके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके बच्चों फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड, अच्छा लगा हो तो पक्का लाइक करिए, मोटिवेट करिए। ओके बच्चों थैंक यू।